हेलो एवरीवन, ये सिलाई कोर्स का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें कि हम कुर्ते की सिलाई करना बताएंगे। सबसे पहले हम कुर्ते का गला बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक बुकरम लेनी है और इस तरह से उसको फोल्ड कर लेना है। फिर हमें 2 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाना है। इसके बाद अब हमें लेंथ का निशान लगाना है, जो कि 5.5 इंच है। कुछ इस तरह से इंची टेप को रखना है हमें और निशान लगाना है। अब हम दोनों निशान को सीधा कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर 1 इंच का निशान हमें यहाँ पे लगाना है और इसे गोल कर लेना है, गोल शेप में दे देना है। अब इसके बाद हमें कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से मैं बाहर वाला हिस्सा भी गोल कट कर लेना है। कटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और हमें कुर्ते का बैक वाला पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच चौड़ाई पे निशान लगाना है और 4 इंच लंबाई के गले पे निशान लगाना है और उन दोनों को इस तरह से मिला देना है। फिर इसको कैंची की मदद से गोल काट लेना है। अब हमें इसके आर्म होल को काटना है, तो 3 इंच का निशान हमें इसके यहाँ तीरे पर लगाना है और फिर 1 इंच आर्म होल को इस तरह से काट देना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा ना काटें।
अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और गले को इस तरह से उसके ऊपर रख देना है और गले से एक्स्ट्रा कपड़ा में इस तरह से काट लेना है। पहले हमें गले के एक कोने में इस तरह से सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि थोड़ी सी सिलाई लगानी है एक तरफ। हमें इस तरह से दूसरी तरफ का कोना भी सिल लेना है। अब हमें उसका जो साइड वाला कपड़ा है कुछ इस प्रकार से सिलना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरू से आखिर तक ऐसे ही सिलना है।
हमें गले को फोल्ड करना है और कुछ इस तरह से एक कट लगाना है तिरछे करके। अब हमें कुर्ते का फ्रंट वाला पार्ट लेना है, उसमें भी इस तरह से कट लगाना है। अब हमें कुछ इस तरह से कुर्ते को सीधे रखना है और गले को उल्टा रखना है और उसके बीच में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे कि कुर्ते को सीधा रखना है और गले को उल्टा रखना है। अब हमें कुछ इस प्रकार से पूरे गले में सिलाई लगानी है। हमें गले के अंदर वाले कपड़े को काट लेना है।
काटने के बाद कुछ इस तरह से हमें गले को अंदर की तरफ लट लेना है और उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। हमें जिस प्रकार से हमने बैक वाला हिस्सा काटा था उसी प्रकार से फ्रंट वाला हिस्सा भी काटना है। अब 3 इंच का निशान हमें तीरे के यहाँ पर तीरे पर लगाना है और आर्म होल को कुछ इस तरह से काट लेना है। याद रहे कि फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। इस अब हमें बैक वाले गले के लिए कुछ इस तरह से तिरछी पट्टी काट लेनी है।
अब हमें इस पट्टी को पीछे वाले गले में लगाना है। बैक वाला पार्ट को सीधा रखना है और पट्टी को उल्टा रखना है, कुछ इस प्रकार से। अब हमें पट्टी के ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हमें बैक वाला पार्ट सीधा रखना है और फ्रंट वाला पार्ट उल्टा रखना है, कुछ इस तरह से रख कर। अब हमें इसके दोनों कंधे को इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।